मैडी जेकब के बेडरूम में जाके सलीम के कपड़े पहनती है और जेकब के ब्रीफ हाथ में लेकर अपने पूरे शरीर को सहलाती है। जेकब की तस्वीर को सीने से लगाकर वहीं पे सो जाती है। कुछ देर बाद जेकब और सलीम के घर के आने की आवाज से मैडी की नींद खुल जाती है। वो बेड के नीचे छुप जाती है। जेकब को सीरियल किलर की केस मिलने की खुशी में जेकब और सलीम रोमांस करते हैं। मैडी को साइड मिरर में दोनों भी प्यार करते हुए दिखाई देते हैं। मैडी भी गर्म हो जाती है और अपने आप को खुश कर देती है। जेकब और सलीम सोने के बाद मैडी चुपके से वहां से निकलती है। आखिर मैडी जेकब्स और सेलिन ये तीनों कौन है और ये सीरियल किलर का क्या चक्कर है, ये सब जानने के लिए सुनिए मूवी की कहानी संतोष की जुबानी। मैडी एक लॉन्ड्री चलाती है। उसके पति को पैरालिसिस हुआ है और उसकी जिंदगी के दो ही सपने होते हैं, एक तो लॉन्ड्री के कपड़े पहन के अपने पति के साथ सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरा करना और दूसरा माँ बनना। इसीलिए हमेशा की तरह वो आज भी लॉन्ड्री से कपड़े लेकर आती है। अपने पति को वो प्रोफेसर का रोल प्ले करवाती है और खुद एक स्टूडेंट का रोल प्ले करती है। अपनी ग्रेड बढ़ाने के लिए लड़कियां जैसे प्रोफेसर को पुश करती है वैसे ही करने की कोशिश मैडी करती है, लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर थकेला होता है जिसकी वजह से मैडी को बिल्कुल भी मजा नहीं आता और हमें मैडी रोते हुए दिखाई देती है। अगले दिन घर के काम काज निपटने के बाद मैडी लॉन्ड्री शॉप में जाकर रात को यूज किए हुए कपड़े धुलवाने को डालती है। तभी उसके ऑफिस की ग्लोरिया भी दिखाई देती है। कुछ देर बाद एक स्कूल स्टूडेंट वहाँ पर कपड़े लेने के लिए आती है। ये वही कपड़े लेने के लिए आई होती है जिसे कल रात को मैडी ने पहना था। मैडी उसे कपड़े दे देती है। उसके चले जाने के बाद ग्लोरिया और मैडी दोनों भी बात करते हैं कि देखो उसका पेट बाहर निकल रहा है, वो जरूर प्रेग्नेंट है। एक दिन लॉन्ड्री में डॉक्टर रकील कपड़े देती है। मैडी को उसके लॉन्ड्री में एक पर्स मिलता है जिसमें स्टेटोस्कोप होता है और एक कॉन्डम भी होता है। मैडी का मूड बन जाता है। घर पे वो डॉक्टर का एप्रन पहन के अपने पति के हार्ट बीट सुनने की कोशिश करती है। पति के हार्ट बीट बढ़ाने के लिए वो अलग अलग नुस्खे आजमाती है जिसमें वो सफल भी हो जाती है, लेकिन उसका पति उससे नाराज होता है और उसे दूर धकेल देता है। मैडी डॉक्टर के कपड़ों में नाराज होकर घर से बाहर निकलती है। उसे एक बंदा राइड देने के बहाने अपने कार में बिठा लेता है। मैडी कार में बैठने के बाद वो बंदा कार स्टार्ट नहीं हो रही है और मुझे कुछ चेक करना है ये कहता है। कुछ देर बाद हमें उसकी चीखें सुनाई देती है। अगले दिन सुबह मैडी और ग्लोरिया लॉन्ड्री शॉप में काम कर रहे होते हैं और रेडियो पे एक खून के बारे में न्यूज चल रही होती है। शहर में एक सीरियल किलर आ गया है। ग्लोरिया मैडी को रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं तुम्हें लॉन्ड्री का इंचार्ज बना सकती हूँ। मैडी कहती है क्या हो गया, आपको घर जाना है क्या। ग्लोरिया कहती है मेरा बेटा अल्बर्ट जो डॉक्टर पढ़ रहा है उसे 60,000 की सख्त जरूरत है, इसीलिए मुझे और एक लॉन्ड्री में काम करना होगा। अब ग्लोरिया वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रकील भी आकर अपने कपड़े लेकर जाती है। मैडी उसे पर्स भी दे देती है। उसके जाने के बाद हमें मैडी का कल रात का इंसिडेंट दिखाई देता है जहाँ पर मैडी उस बंदे को पॉइजनस इंजेक्शन देती है और सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि मैडी ही होती है, ये हमें पता चल जाता है। मैडी एक दिन लॉन्ड्री के लिए कपड़े निकालते हुए बहुत मुस्कुरा रही होती है। तब ग्लोरिया उससे पूछती है कि क्या बात है। मैडी बताती है कि मैं सलीम के घर कपड़े देने के लिए गई थी, तब मुझे दरवाजे के बाहर बहुत सी हॉट आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने घर में झांक कर देखा। तब मुझे सलीम ये ब्लैक ड्रेस में दिखाई दी। उसके बॉयफ्रेंड ने रेड पोलो टी शर्ट पहना था, पर इस लॉन्ड्री में मुझे वो दिखाई नहीं देता। कहीं सलीम का किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। ग्लोरिया बताती है कि ये तो एक आम बात है, मेरा नेबर पुलिस वाला है और उसकी बीवी का भी चक्कर चल रहा है। मैडी को लॉन्ड्री में एक चाबी मिलती है, लेकर वो सेलिन के घर में जाती है और फिर वही सब होता है जो मैंने शुरुआत में बताया था। अगले दिन सेलिन को नया रोल मिलने की खुशी में सेलिन और जेकब एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। इस चीज को मैडी देखती है। शाम को घर जाके वो अपने पति के साथ भी वैसे ही सेलिब्रेट करती है। डिनर के बाद वो अपने पति को जेकब का पुलिस ऑफिसर वाला ड्रेस पहनाती है और खुद सेलिन के कपड़े पहनती है। बेड के नीचे छुपकर जेकब और सेलिन का जो रोमांटिक सीन उसने देखा था उसे इमेजिन करते हुए अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरी करती है। अगले दिन मैडी और ग्लोरिया दोनों भी काम कर रहे होते हैं। तभी ग्लोरिया का बेटा अल्बर्ट उसके पास पैसे मांग करने के लिए आता है। ग्लोरिया के पास पैसे नहीं होते, इसकी वजह से वो उस पे गुस्सा करता है और अपने कपड़े धोने के लिए उसके पास देकर चला जाता है। ये देखकर मैडी को बहुत गुस्सा आता है और ग्लोरिया के लिए बहुत तरस आता है। मैडी को अल्बर्ट के ब्रीफ पे लड़की के बाल मिलते हैं और उसे अल्बर्ट कितना कमीना है ये पता चल जाता है। उसके जाने के बाद लॉन्ड्री में एक बंदा आता है जो अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि मेरे पास एक मॉडल है जो नए प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल है और उसका नाम सेलिन है। मैडी वहाँ पर उसके कपड़े लॉन्ड्री के लिए निकाल रही होती है, तब उसे रेड कलर का पोलो टी शर्ट दिखाई देता है। मैडी को अब याद आता है कि एक दिन वो कपड़े डिलीवरी करने गई थी, तब जेकब के घर में यही बंदा रेड टी शर्ट में बैठा था और सेलिन इसके सामने ही अपने कपड़े उतार रही थी। मैडी अब सेलिन को फॉलो करना शुरू कर देती है। सेलिन को अपने एजेंट के साथ किस करते हुए मैडी दोनों को देख लेती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। यहाँ पे एक दिन ग्लोरिया बहुत खास रही होती है, तब अल्बर्ट फिर से आके उसके पास पैसे मांगता है। ग्लोरिया के पास पैसे नहीं होते इसलिए वो फिर से गुस्सा करके वहां से चला जाता है, लेकिन कपड़े धुलवाने के लिए दे देता है। ग्लोरिया उसे समझाने के लिए उसके पीछे चली जाती है। मैडी यहाँ पर अल्बर्ट का ब्रीफ निकाल लेती है और पॉइजन वाली सिरिंज को
उसे लपेट लेती है और अपने जेब में डाल देती है। कुछ देर बाद वहाँ पे जेकब आता है, वो टेंशन में दिखता है। मेरी पूछती है कि तुम्हें सीरियल किलर का केस मिला था, उसका आगे क्या हुआ? वो कहता है कि मैंने बहुत एफर्ट डाला लेकिन अभी तक मुझे कोई सुराग नहीं मिला, इसीलिए मैं ये केस छोड़ने की सोच रहा हूँ। मेडी कहती है कि ऐसा मत करो। मेडी जेकब के सामने जानबूझकर अल्बर्ट का बैग खोलती है, उसमें से पॉइजनस सिरिंज, सीजर, चाकू ऐसे हथियार निकालती है ताकि जेकब को शक हो जाए कि सीरियल किलर अल्बर्ट है, और होता भी वैसे ही है। जेकब इन सारी चीजों की तस्वीरें लेता है। अगले दिन मेडी डिलीवरी के बहाने सेलिन का पीछा करते हुए दिखाई देती है। सेलिन एजेंट के रूम में चली जाती है, दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद सेलिन के कपड़ों में एजेंट को ड्रिंक देते हुए हमें मेडी दिखाई देती है। ड्रिंक पीने के बाद एजेंट के मुंह से खून निकलता है क्योंकि उसमें एसिड डाला हुआ होता है। मेडी बंधे हुए सेलिन के मुंह में भी एसिड डालती है, एजेंट के प्राइवेट पार्ट्स को भी एसिड से जला देती है, जिसकी वजह से दोनों की भी मौत हो जाती है। सबूत के तौर पर अल्बर्ट की ब्रीफ वहां पर फेंक कर चली जाती है। पुलिस अब अल्बर्ट को खून के इल्जाम में गिरफ्तार करती है। जेकब अब बिल्कुल अकेला हो जाता है। एक दिन वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, तब मेडी उसके बगल से गुजरती है। उसने सेलिन के कपड़े पहने हुए होते हैं। जेकब को लगता है कि सेलिन वापस आ गई, वो उसे पुकारता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो मेडी है। मेडी बताती है कि सेलिन बहुत अच्छी औरत थी और ये ड्रेस सेलिन ने ही उसे गिफ्ट किया था। दोनों भी साथ में लंच करते हैं और जेकब के घर जाते हैं। जेकब मेडी के कंधे पर सर रख कर बहुत रोता है। मेडी को लगता है कि आज मैं जेकब के साथ ऐश करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेडी को अपनी प्यास अपने पति के हाथों से बुझानी पड़ती है। अगले दिन मेडी फिर सेलिन के कपड़े पहनकर जेकब को मिलने जाती है। जेकब और मेडी दोनों भी पूरा दिन एक साथ बिताते हैं। शाम को दोनों भी जेकब के घर पर चले जाते हैं। वहाँ पर एक दूसरे को वो जी भर के प्यार करते हैं। मेडी सेलिन की तरह जेकब की उंगली काटती है, जिसकी वजह से जेकब को गुस्सा आ जाता है। इसीलिए अब हमें लॉन्ड्री शॉप में उदास बैठी हुई मेडी दिखाई देती है। जेकब वहाँ पे आता है और उसे सेलिन का स्वेटर पहनाता है। फिर से दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर प्यार करते हैं। अब हमें मेडी और उसके पति नैनी की पास्ट के बारे में पता चलता है। लॉरेन नाम की एक लड़की मेडी के साथ काम करती थी। उसने मेडी को बताया था कि उसका बाप उसे मॉलेस्ट करता है। जब भी उसकी माँ उसके साथ नहीं होती, वो उसे सेक्स करता और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मेडी उसकी दर्द भरी दास्तान सुनते हुए खुद मजे ले रही होती है। उसे ऐसा ही पैशनेट पार्टनर चाहिए होता है। इसीलिए एक दिन जब नैनी ना रहा होता है, तब वो भी उसके बाथरूम में कपड़े उतार कर चली जाती है। नैनी उसे देखकर धुतकार देता है और कहता है कि तुम तो एक मेड हो। मेडी को गुस्सा आ जाता है और वो पॉइजनस की सिरिंज उसके गर्दन पे मारती है, जिसकी वजह से नैनी को पैरालिसिस हुआ होता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और मेडी अपने पति से कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी क्योंकि मुझे प्यार करने वाला मिल चुका है। उसके बाद वो प्लास्टिक नैनी के चेहरे पे रैप कर देती है। कुछ महीनों बाद हमें दिखाई देता है कि मेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है। जेकब उसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि कुछ ही दिनों में चीफ रिटायर होने वाला है, मुझे प्रमोशन मिलने के चांसेस है, ये सब हमारी आने वाली बेबी की वजह से ही हो रहा है। तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें हमें पता चलता है कि नैनी की डेड बॉडी मिल चुकी है। जेकब इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां से चला जाता है। मेडी थोड़ा टेंशन में दिखाई देती है। शाम को भी टीवी पर यही न्यूज चल रही होती है कि डॉक्टर नैनी और उसकी बेटी 5 साल पहले गुमशुदा हो चुके थे। फिर से मेडी हमें टेंशन में दिखाई देती है। एक दिन शाम को लॉन्ड्री में काम करते हुए मेडी दिखाई देती है। तब लॉरेन वहां पे आ जाती है और कहती है कि तुमने ये मेरे साथ क्यों किया, मैं तो तुम्हारी दोस्त थी, मैं तुझे अपना समझती थी। मेडी कहती है कि मुझे बस तुम्हारी जगह चाहिए थी ताकि तुम्हारा बाप मुझे भी वैसे ही प्यार करे और मुझे प्रेग्नेंट करे। अब दोनों के बीच में लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे को ढकेलती है, लेकिन मेडी के अंदर का वो जानवर जाग जाता है और वो लॉरेन को मार देता है। उसी वक्त जेकब भी वहाँ पे आता है। मेडी को पागलपन से होश आ जाता है। मेडी ने जिसे मारा हुआ होता है वो लॉरेन नहीं बल्कि एक कस्टमर होती है। मेडी अब रोने लगती है और जेकब से कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, इन सब लोगों के खून मैंने ही किए थे, तो क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करोगे? तुम कह रहे थे कि तुम्हें असली मेडी देखनी है और यही है मेरी असलियत। जेकब इस चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गन निकालता है और खुद को ही गोली मारने की कोशिश करता है। मेडी उसे बचाने के लिए उसके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है। खींचातानी में गोली चलती है और हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर एक एम्बुलेंस जाते हुए हमें दिखाई देता है। अब हमें मेडी एक घर में दिखाई देती है और जेकब बेड पर लेटा हुआ होता है। जेकब की हालत अब मेडी के पुराने पति की तरह होती है। वो कुछ बात करने की कोशिश करता है, तब मेडी पॉइजनस सिरिंज निकाल कर उसे डरा देती है। मेडी अब उसके साथ सेक्स करने के लिए फिर से तैयार हो जाती है और यहीं पर दोस्तों मूवी का एंड हो जाता है। कैसे लगा मूवी कमेंट कीजिए और जरूर आपको जो भी मूवी पसंद है उसके बारे में कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन मूवीज लेकर आ सकूं।